झुकना मारू ढीलन मारूंगी। अच्छा किस किस को याद रहेगी बताना, हाथ उठा लो शर्मा मत हाथ उठा लो ना, टू ने लग लग रहा है मालूम जी जानते ना जी। लेकिन मैं इसी गीत पर एक गीत बनाया मैंने वो दूंगा, लेकिन इस गाने को आप भूल जाओगे, मैं कोशिश करूंगा। कि कहते कि चुमना मारू ठुकना मारू ढीलन मारूंगी और जो तेरी पहला ज्यादा बोलूंगी चूनर फाड़ूंगी ताऊ दिन उठ गयो मेरो। अब नीचे ही आ जा रहा हूं, सब याद नहीं जा रहा है तुझे, याद तो जानते लेकिन बजाए सुन लो। सुने कि पहलो छोड़ो सब पाखंड, आज सारा कुछ बता दिया गुरुजी ने लेकिन फिर भी कह रहा हूं मैं कि पहलो छोड़ो सब पाखंड और बुद्ध की शरण में आओ। कौन कौन आना चाहता है जरा जोरदार होकर हाथ उठा देंगे, और अगर बात समझ में तो तालियों के साथ आ रहा है ऐसे नहीं, पर किस तरह से कि पहलो छोड़ो सब पाखंड बुद्ध की शरण में आओ, पहलो छोड़ो सब पाखंड बुद्ध की शरण में आओ, शरण में आओ बुद्ध की शरण में आओ, वो पहला छोड़ो सब पाखंड बुद्ध की शरण में आओ, करवा चौथ और नब राती बेमतलब की बात, करवा चौथ और नब राती बेमतलब की बात, ये तो ड्रामा है मेरी बहनों। आप करवा चौथ पे नौ दिन भूखी रह रही हो, बातें कभी ना हैरों की पुत्र जब से सात देव ना जाने, तुम तो नौ दिन की बात करती हो, छह महीने भूखे रहे सालों साल भूखे रहे, लेकिन हमको कुछ हासिल हुआ तब हासिल हुआ जब उन्होंने अपने इंटरनेट को देखा। लेकिन क्या होता है मेरे साथियों कि हमारी बहन और बाहर बहनी नौ नौ दिन तक भूखी रहती है, लेकिन मेरा कहना है कि नौ दिन भूखा रहने के अपेक्षा आप बाबा साहब का नौ दिन संविधान पर देख लो। फिरोजाबाद के टूंडला के टूंडली ग्राम में आज बुद्ध जीवन गाथा के अंतिम दिन, जहां आज मैत्रीय भोजन का जो आयोजन किया गया, आज हमारे बीच में कुछ धम्म बहने हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराने जा रहा हूं। ये है डॉली बिंद्रा, क्या क्या कहना चाहेंगी आज इस पावन अवसर पर, जो आपके यहां जो जो बुद्ध जीवन गाथा हुआ कैसा आपको महसूस हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? इसी कड़ी में हमारे बीच में एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, बहुत अच्छा काम किया है, क्या नाम है बेटा? प्रियंका गौतम। प्रियंका गौतम, कैसा महसूस कर रहे हो आप के आज? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं, सब लोग मेरे साथ। अच्छा चलिए, आप ये शिवानी गौतम है और मेरी पुत्री है, ये आज भी आज तीसरे दिन आई है, कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे इस पावन अवसर पर? जय भीम नमो होता है सभी भाइयों को बहनों को, मैं राक्षसा का मानकर प्रत्यक्ष मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे मेरे फ्रेंडों ने इनवाइट किया है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप सभी लोगों के साथ सहयोग कर रही हूँ और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब बनी समझती हूँ। Thank you.
हमका जो है बीज बोया है ये बीज अंकुर बनकर पौधा बने जल्दी से जल्दी मैत्री बोल पर आ रहा ये गारंटी देता हूँ कि मेरे गांव के लोग अभी तक आ रहे हैं ये सोचकर ही मैंने ये कार्यक्रम पूरे गांव का सहयोग मिला मुझे और पूरे टूला का सहयोग मिला मुझे चाहूंगा जो है बीज बोया है ये बीज अंकुर बनकर पौधा बने जल्दी से जल्दी मैत्री बोल पर आ रहा ये गारंटी देता हूँ कि मेरे गांव के लोग अभी तक आ रहे हैं ये सोचकर ही मैंने ये कार्यक्रम पूरे गांव का सहयोग मिला मुझे और पूरे टूला का सहयोग मिला मुझे आज निरंतर आप आगरा से चलकर यहाँ आए हैं 7 दिन तक आपने पूरी सहभागिता की है आप आपको कैसा लगा क्या कहना चाहेंगे पहले यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन जब धमका प्रचार होना शुरू हो गया तो यहाँ से घर घर से लोग आ गए महिलाएं आई पुरुष आए बच्चे आए इन्होंने सहभागिता दी और बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया और यहाँ पर जो मैत्री भोज का आज आयोजन किया गया है तो पूरे पूरे मोहल्ले और गाँव के सहयोग से हुआ है ये बड़ा सराहनीय है और ये संदेश दूर दूर तक जाएगा और इसका प्रचार प्रसार आगे बढ़ता रहेगा मैं ये चाहता हूँ कि जो बीज ये बो दिया गया है ये हर साल इस तरह के प्रोग्राम यहाँ होते रहें और इसको इस कारवां को आगे बढ़ाया जा सके और बुद्ध गाथा के द्वारा ही और इसका प्रचार प्रसार बढ़ेगा और ये धम्म आगे के लिए चलेगा आज फिरोजाबाद जिले के टूला गांव में टूला के टूडली गांव में 7 दिवसीय बुद्ध जीवन गाथा का समापन हुआ जहां आज बहुत ही आनंदमय भोजन भी लोग ग्रहण कर रहे हैं और यहां के आयोजक महोदय से जब मैंने इस बाबत पूछा है तो उनका यही कहना है कि जब बुद्ध के इस धर्म के बारे में इनकी कोई जानकारी नहीं थी लेकिन इस कार्यक्रम के करने के उपरांत ऐसा लग रहा है मानो कि मैंने ये बीज रोपित कर दिया है अब इस अंकुरित होने की बारी है यहाँ के जो गन्ने बनने जो आगामी भविष्य है वो इस अंकुरित को पौधा बनाएंगे और पूरे धर्म को बाबा साहब की सभी गांववासियों से इन शब्दों का अनुरोध है मैं रेंजर टीवी को भी धन्यवाद दे रहा हूँ प्राकृतिक रोशनी में ही आपको खाना खाएं इसके बाद दर्शकों आपको हमारा चैनल कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। दर्शकों हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो समस्याएं हैं जो गरीबों के साथ अत्याचार होते हैं उनके विषय में हम भारत सरकार को अवगत कराएं जिससे कि उन समस्याओं का निवारण हो सके और जो गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार उन पर प्रतिबंध लग सके। दर्शकों हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक हैं चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सभी लोग प्रेम भाव से रहें और किसी के साथ में भी किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो। हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और विश्व में नंबर 1 हो और इसी के साथ नमस्कार।